घर चले जाएंगे, सब चले जाएंगे, हम इस नहीं आएंगे, सब चले जाएंगे। बेटी बेटी कही के बुलावा हाली गुरु जी। सर आएंगे, सर हमारे सर बहुत मानते थे अमर को, हमको बहुत अच्छे अच्छे बातें सिखाते थे। हम चले जाएंगे तो हम किसके भरोसे जिएंगे सर? चलो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज अंतिम दिन है, आज विदाई समारोह है सर का, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ। और ये देखिए, और ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं सर का, यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए सर का देख लीजिए, विदाई समारोह चल रहा है देखिए। और बहुत सारे बच्चे जो हैं से रो रहे हैं, देखिए इधर आप देख सकते हैं कि इधर बच्चे सारे रो रहे हैं, ये देख लीजिए। और पीछे चलते रहिए, और फूल और स्वागत के लिए बहुत सारे जो बच्चे हैं और जो फूल। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि बहुत सारे जो आज अंतिम विदाई इनका हो रहा है, विदाई समारोह हो रहा है, और बच्चियां जो हैं से रो रही है। और ये देख लीजिए, इधर देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं आप लोग, ये देख लीजिए कितने किस तरह से। आज ये पहली बार बिहार में, ऐसे बहुत जगह देखा गया है मगर पहली बार अपने आंखों से मैं देख रहा हूँ कि जब एक शिक्षक के का विदाई हो रहा है तो कितने लड़के जो लड़कियां हैं से रो रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें। आप ये देखिए कैमरे के सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, और टीचर भी रो चुके हैं, भाविक हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। और ये देख लीजिए पीछे भी जो शिक्षक हैं वो भी रो रहे हैं, और बच्चे भी आप देख सकते हैं जिस तरह से, और फूल जो बरसा रहे हैं। आप राजुद्दीन सर वो भी, उनके आंख में भी आंसू है और फूल बरसा रहे हैं, ये देख लीजिए। और ये देख लीजिए आ गए हैं हम मेन और रोड पर यहाँ पर, और इसी गाड़ी से ये सर जाने वाले हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से लोग हैं, रो रहे हैं, देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, देख लीजिए किस तरह से अंतिम विदाई दिया जा रहा है, और सर भी रो चुके हैं, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। सर मत जाइए, सर सर मत जाइए, सर आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। सर मत जाइए, ये देख सकते हैं, और ये इधर भी रो रही है, ये देख लीजिए ज्योति नाम है इनका, और सर भी राजुद्दीन सर भी रो रहे हैं, ये देख लीजिए। और यहाँ पर गले मिल रहे हैं सर, ये देख सकते हैं यहाँ पर काफी लोग, देखिए राजुद्दीन सर भी रोने लगे हैं, ये देख लीजिए, ये पहली बार देखा जा रहा है। इधर राजेश सर भी और रोने लगे हैं, देख लीजिए इनके आंखों में भी आंसू आ गया है। और ये देख लीजिए इधर बहुत सारे जो टीचर हैं यहाँ पर, बच्चे से लेकर और सारे शिक्षक भी रोने लगे हैं। ये पहली बार आप स्कूल देख लीजिए, ये सरकारी स्कूल है, और ये कारा में है, जो आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह से लोग, शिक्षक भी रो रहे हैं और यहाँ के बच्चियाँ भी रो रही है। और इस गाड़ी से सर जाने वाले हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख लीजिए, और सर जो हैं से गाड़ी पर बैठ चुके हैं, ये देख लीजिए। और आज इनका अंतिम दिन था सर का, आज अंतिम दिन इन्होंने सिग्नेचर भी किए हैं सर, और ये देख सकते हैं लगातार मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये देख लीजिए सर, आज आपका अंतिम दिन है सर, तो क्या कहना चाहते हैं बच्चों को और लोगों को, क्या संदेश देना चाहते हैं? और सर से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए बताएंगे सर कुछ। मैं यही कहना चाहूंगा कि दुनिया में कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, यदि आप सत्कर्म करेंगे तो आपकी ख्याति रहेगी, दुष्कर्म करेंगे तो कोई आपको नाम लेने वाला नहीं है। अब निःशब्द हो रहा हूं मैं, आप अच्छे कार्य करो, यही दुनिया में महत्वपूर्ण है, अन्यथा कुछ नहीं। दोस्तों कहें कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा, ये देख लीजिए, और ये देख लीजिए किस तरह से, आप देख सकते हैं दोस्तों,
ये देख लीजिए, और ये देख लीजिए बहुत सारे जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, स्टूडेंट हैं यहाँ। रियाजुद्दीन सर भी रोने लगे हैं और ये सर भी रोने लगे हैं, और देखिए यहाँ पर भी सर भी रोने लगे हैं, और ये देख लीजिए यहाँ पर जितने सारे लड़कियां हैं सारे, देखिए किस तरह से आज आंसू निकल रहा है। और एक यहाँ के स्टूडेंट में ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं, देख लीजिए सर, देख सकते हैं आप लोग। और दोस्तों ये देख लीजिए इनकी गाड़ी जो है से चल दी, अंतिम विदाई इनका हो चुका है। ये देख लीजिए बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है जो एक सरकारी टीचर को विदाई में इतना सम्मान मिला, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये देख लीजिए। और हर शिक्षक ऐसा ही कर्म करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये इनकी गाड़ी चल दी दोस्तों, ये देख रहे हैं ये इनकी गाड़ी चल दी। और इधर भी बच्चे लोग हैं, देख सकते हैं, और इधर हम बच्चे हैं जो आप लोग इधर भी देख सकते हैं। लगातार आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग लगातार रो रहे हैं, ये देख लीजिए, एक देख सकते हैं। अरे किसको गश्ती मार दिया, पानी 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 दीजिए पानी, ये देख सकते हैं यहाँ पर एक लड़की जो है से और गश्ती मार दिया है, और देख सकते हैं आप, और ये देख लीजिए, देखिए ये देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ देखिए राजेश सर हैं, और देख सकते हैं सर आप बताइए कि यहाँ के जो कमलेश सर हैं उनकी विदाई हो गई, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर बहुत अच्छे प्रशासक रहे हैं, बहुत अच्छे से स्कूल चलाए हैं, किसी तरह का कोई कमी न शिक्षकों को रहती थी न बच्चों को रहती थी। अपने पैकेट से भी खर्च करके हर तरह से गुणवत्ता से पूर्ण कोशिश किया, आज उसका देख रहे हैं परिणाम सर आपके सामने है सर, बच्चे कितने भावुक हैं, शिक्षक कितने रो रहे हैं। हम लोग के एक असल कुशल प्रशासक हमारे विद्यालय के रहे हैं सर, हाँ हम लोगों को बहुत सब शिक्षक की भी समस्या जो है, शिक्षिका की जो समस्या है उन्होंने सब दिन दूर किया। आप इतने भावुक हो गए सर, क्या कहना चाहेंगे सर के लिए? कहना चाहेंगे कि आज जो विदाई समारोह हुआ, विदाई तो वैसे सबकी होती है, विदाई तो सबकी होती है, लेकिन कुछ लोग अच्छे कर जाते हैं जिसके चलते लोग इतना आज भावुक हो गए, और भावुक मन से हम लोग विदाई कर किए हैं, और उन्हें तो जाने देने का दिल नहीं था। लेकिन सर, सर, आप ये बताइए सर कि आज जो है सर सर जो है अंतिम विदाई हो गई, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर की विदाई हुई तो ऐसा लगा कि कोई बहुत नज़दीकी अपना चला गया यहाँ से, इस वीराने में बाहर लाने वाले सर थे, सबको जोड़कर चलने वाले थे, और सबके भावनाओं की कदर करते थे, और आपकी पहचान ही आप देख सकते हैं, परिवार समझते थे सर। देख रहे हैं कि लगातार राजुद्दीन सर रो रहे हैं बिल्कुल, और ये देख लीजिए सारे यहाँ पर टीचर भी हैं जो देख सकते हैं। जन्म लेते हैं लेकिन आपके तरह नहीं होते हैं। सही बात है, यहाँ पे इतने भावुक हो गए हैं कि बोल भी नहीं पा रहे हैं सर। यहाँ पे मैं लगातार तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कारा ओबरा औरंगाबाद का उच्च विद्यालय है, इसमें 1000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, और सभी को मैंने देखा स्कूल कोड में, बहुत ही अच्छा लगा, शायद ऐसा मैंने देखा। मैं बार बार एक चीज़ को कर रहा हूँ, और इस बात से मैं कभी भी ये नहीं कह सकता कि ऐसा कभी स्कूल है, मैंने देखा ही नहीं कभी ऐसा स्कूल, तो मैं कैसे बताऊँ? मैं सब जगह रिपोर्टिंग करता हूँ, सब जगह स्कूल जाकर देखता हूँ, ना तो ऐसे शिक्षक मिले ना तो ऐसा स्कूल मिला। तो सर प्रदीप, हाँ प्रदीप सर आप आइए, अभी जो आपके सर सर चले गए, क्या कहना चाहेंगे? आज वो दिन है जी, इधर जिसकी हम बयान नहीं कर सकते हैं। आज बहुत हमारे लिए एक पिता तुल्य जो है हम उनको मानते थे, और जो स्कूल के कार्य किए हैं वो शायद उनका नाम जो है स्वर्ण अक्षर में अभी भी लिखा हुआ है और लिखा जाएगा। हम लोग की पहचान जो है उनसे थी, कहीं भी जाते थे तो बोलते थे कि विकल जी की स्कूल में है, और जो भी इन्होंने बच्चों के हित में कार्य किए हैं वो आज जो है से पूरे बिहार देख रहा है, और शिक्षक को आज भी हम लोग बिहार से
या जो है अंतिम इच्छा, मतलब ये जाते जाते समय विदाई समारोह में उनकी आखिरी इच्छा होगी कि सब लोग जितने सर होंगे जिस तरह से वो काम किए थे उसी तरह से आप लोग भी काम करेंगे? बिल्कुल, न्यूज के माध्यम से आप दावा करेंगे कि हम जिस तरह से वो लोग काम किए थे मैं भी उसी तरह से बच्चों को पढ़ाऊंगा और स्कूल को देखूंगा? बिल्कुल, जो है यहाँ के शिक्षक बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और समय से आते हैं और बच्चों को कोई भी शिकायत का मौका नहीं देते हैं, जितना भी बनता है और वो सेवा देते हैं और वो चले भी गए। ये परिपाटी जो बना हुआ है वो बिल्कुल बना हुआ रहेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगी और हम लोग का जितना सेवा भाव होगा तन मन और धन ये बच्चों को समर्पित करूँगा और ये मेरा दावा है कि सभी टीचर भी इसमें सहमत है और ये सेवा देते हैं और आज भी दे रहे हैं। आज वो क्षण है कि आज जो है से हम लोग बहुत भावुक हो गए कि ये दिन जो है से आज जो है से सब लोग सर भावुक हो गए हैं। मैंने सब लोग सब सर को देखा, सब शिक्षक शिक्षिकाएं बच्चे सभी लोग भावुक हो गए हैं। सर उन जाते समय विदाई करते समय उन्होंने एक बात हमेशा कही कि जैसे मैं स्कूल को जैसे छोड़ के जा रहा हूँ वैसे ही मेरा स्कूल रहेगा, सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ जो है उसी तरह कार्य करेंगे और वो हमारे विद्यालय के प्रेरणादायक शिक्षक और बच्चों के थे और उन्हीं के परामर्श से विद्यालय आज भी चलेगा और कल भी चलेगा जब तक वो रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे शिक्षक की हमारे देश में बहुत ज़रूरत है कि ऐसा स्कूल हम तो फिर से आपको कहना चाहेंगे ऐसा स्कूल और ऐसा शिक्षक यहाँ पे जो भी शिक्षक गण है वो विदाई उनका हो गया अलग बात है लेकिन जो भी शिक्षक गण है उनकी तत्परता अभी भी दिखाई देती है, इनकी इतनी प्रतिभा है। मैं इस स्कूल को पूरा फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा, जो स्कूल में मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं ये शायद सरकार की है ना कि अपने बलबूते लोगों ने करवाए हैं, तो मैं पूरा इनको दिखाने की कोशिश करूंगा। सर क्या कहना चाहते हैं? सर उनकी पहचान इस मानों में है जी कि आपकी आपका कर्म ही आपकी पहचान है जी, जैसा कि देख रहे हैं जी, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं जी। जरूर जरूर जरूर, मैं आपको वीडियो यहाँ से दिखाता रहूँगा लगातार और यहाँ की सारी वीडियो मैं दिखाऊंगा स्कूल को जो भी स्कूल में सुविधाएं हैं। सो धन्यवाद। हे गाइस, मेरे पापा को चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। बड़े को प्रणाम, छोटे को सुख प्यार और माता पिता का आशीर्वाद। मैं बिहारी बाबू हेमराज और आप हमारे साथ दिल से जुड़े रहे दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूंगा दोस्तों।